नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास माल और इस समय मौजूद है करनाल की CIA1 शाखा में, जहां पर हम आपको बता दें कि करनाल की CIA1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो जो स्नैचर हैं उनको करनाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, CIA की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे गरौंडा और इंद्री में। इन्होंने जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जो व्यक्तियों से मोबाइल या पैसे छीनने का काम करते थे, और जो CIA की टीम है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की जो स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं CIA1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, जिसमें दो स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। आप देख सकते हैं कि दोनों स्नैचर, जिनके द्वारा इंद्री और गरौंडा में जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, जो टीम है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार इस प्रकार से जो करनाल में स्नैचिंग की वारदात और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी, जो दो व्यक्ति हैं उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया और उन्हें आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला और कहां से इनको गिरफ्तार? क्या 8 जून 2022 को गरौंडा से दो नामालूम लड़के मोटरसाइकिल पे ना दुकान में बैठी एक लड़की से मोबाइल छीन के लेकर गए थे, भाग गए थे। और ये इंद्री के लड़के थे, संजू एंड मान सिंह, इसमें दो ही लड़के थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अपना शराब के नशे में और स्मैक पीने के आदि हैं और नशे की हालत में वारदात करते हैं। इन्होंने कुल 4 वारदातों को अंजाम दिया है। इनके एक इंद्री की वारदात में 4 लड़के हैं, वो दो फरार हैं और बाकी इनको गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल ही छीनते थे या फिर चैन वगैरह? मोबाइल एंड कैश। अच्छा, मोबाइल एंड कैश ये सब छीन के। इनको इस मुकदमे में गिरफ्तार करके इनको कोर्ट में जेल में चले जाएंगे, आगे प्रोडक्शन वांड पर लगा के। पहले भी मामले दर्ज हैं? पहले एक इनका लोहे चोरी के मुकदमा दर्ज है, उसमें सजा काट चुके हैं। कहां से दो फरार हैं सर? ये इंद्री के हैं जी। नाम क्या है इनके? संजू एंड मान सिंह जी। और जो दो फरार हैं वो कहां के हैं? वो इंद्री के हैं जी। अभी तक इन्होंने कितनी वारदात की है? जो इन्होंने 4 वारदात की है। कहां कहां से? ये 3 वारदात इंद्री की है, एक गरौंडा की। गरौंडा में मोबाइल छीना है? हां, वो गरौंडा मोबाइल छीना है लड़की से, दुकान में बैठी थी वो, वहां से उसने मोबाइल और कैश भी लिया। उससे मोबाइल था, बाकी इंद्री की वारदात में मोबाइल एंड कैश है। तो बाइक सवारों से छीनते थे या राहगीरों से? राहगीरों से छीनते थे जी। रात के अंदर? दिन में जी। दिन में छीनते? दिन में छीनते हैं और सुनसान जगह पाके। क्या जी? हर उम्र क्या है? उम्र 21 से 22 साल 23 साल ये हो रहा है। तो पहले मामले दर्ज हैं इनके? पहले एक एक मामला दर्ज है इनका लोहा चोरी का। जो इनके जो साथी हैं जो फरार हैं उनको? वो उनके उनके नाम अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहेगा जी। तो सर, टोटल गरौंडा वाली वारदात में 2 ही मुलजिम थे, इंद्री की एक वारदात में 4 आदमी हैं, बाकी में 2। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल की CIA1 शाखा से दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि जो दो स्नैचर हैं उनको करनाल की CIA1 शाखा के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो मोबाइल है वो बरामद किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 4 वारदातों को अंजाम दिया था, एक लड़की का मोबाइल गरौंडा में एक दुकान के अंदर वो बैठी थी और उससे मोबाइल छीन कर वो फरार हो जाते हैं, जिसके बाद करनाल की CIA1 शाखा ने गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ की। ज्ञानता से पूछताछ के दौरान बताया गया कि इंद्री में भी इन्होंने जो पैसे हैं कैश है राहगीरों से छीने, और उनमें भी दो आरोपी फिलहाल फरार हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इन्हें जेल में भेजा जाएगा, क्योंकि जो लगातार जो स्नैचिंग की वारदातें लगातार करनाल में इस प्रकार से बढ़ती हुई जा रही थी, और एक लड़की से गरौंडा में एक दुकान में बैठी लड़की से मोबाइल छीन कर ये फरार हो जाते हैं, जिसके बाद करनाल पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेती है और जो CIA1 शाखा है इस दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है। उस मामले में दो व्यक्ति थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जब इनसे पूछताछ की गई तो इनकी तरफ से जो 3 से 4 वारदातें जो इंद्री थाना क्षेत्र के एरिया में दी गई है, उनमें जो राहगीरों से कैश इनके द्वारा छीना गया उन्हें भी जो गिरफ्तार कर लिया गया। दो फिलहाल इनके जो साथी हैं वो फिलहाल जो लापता है उनकी भी धरपकड़ है, जो CIA के द्वारा की जाएगी। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है, क्योंकि लगातार इस प्रकार के मामले देखने को मिल रहे थे कि जो लोग हैं राहगीर हैं उनसे जो बाइक छीन ली जाती है या उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उनसे कैश छीन लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है करनाल की CIA1 शाखा को, और आप सभी लोगों से अपील है कि
अगर इस प्रकार की कोई वारदात होती है तो आप लोग उसकी शिकायत नहीं देते, सोचते कि मोबाइल था या कोई कैश था छोटा मोटा, लेकिन कोई शिकायत नहीं देता डर के मारे। लेकिन आप सभी लोगों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार अपील करता है कि अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई वारदात होती है तो आपके नजदीकी थाने में उसकी शिकायत जरूर दे, ताकि इस प्रकार के जो गिरोह है, जो सदस्य है, जो नशे के आदि होते हैं और नशे की पूर्ति के लिए इस प्रकार के काम करते हैं, तो उनको करनाल पुलिस के द्वारा जरूर पकड़ा जाए। आप सभी लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल से विकास महिला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।